अभी 6 बज रहे हैं तो मैं 5 बजे उठी थी, क्योंकि जी मैंने टिफिन अपने पापा को देना था। वो मेरे पापा अभी डागी को जो मैंने रोटी बनाई है वो देंगे, तो फिर वो जाएंगे। मैंने टिफिन निकाला था, इसलिए मैं 5 बजे उठी थी। फिर मैंने बाहर की लाइट वगैरह जलाई, मैं 5 बजे उठ गई थी आज। दरवाज़ा मैंने खोल दिया, सुबह सुबह मंदिर की घंटियाँ बज रही हैं, और अभी 6 बजे मेरे पापा आएंगे और फिर वो शॉप पर जाएंगे, फिर शॉप से वो हॉस्पिटल जाएंगे। आज मेरे भाई को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है। पता नहीं आज 12-13 दिन हो गए हैं, छुट्टी नहीं हो रही, और आज 17 दिसंबर है, पता नहीं कब छुट्टी देंगे वो डॉक्टर। मैंने सुबह सुबह ब्लोर लगाया हुआ है। बंद करने के बाद की लाइट मैंने बंद कर दी, तो अभी मैं थोड़ा लेटूंगी। तो ऐसे तो मैं कभी उठती नहीं, मम्मी उठती है सुबह, तो फिर अब मम्मी है नहीं घर पे, वो हॉस्पिटल है, तो फिर मुझे उठना पड़ता है। पापा चले गए, अभी मेरे 6:15 बज गए हैं, अभी मैं थोड़ा लेटूंगी। के साथ में गर्भा हुआ है, तो है तो अभी अंधेरा ही है, पर भूख लगी आज, पता नहीं शाम को जल्दी खा लेती, लेकिन आज तो मैंने सोचा नाश्ते बना लेती हूँ। दो फुलके बनाऊंगे अपने लिए, तो अभी उनके लिए रात को बना लेती हूँ, अभी नहीं आती है तो अभी चले लाइट ही बंद हो जाएगी, तो इसलिए इस टाइम लाइट बंद हो जाती है। मैं बताती हूँ आपको, मतलब लाइट अभी हो गई, अभी थोड़ी मतलब सुबह हो गई अभी। तो रोटी मैंने बना ली, और जो थोड़ा सा आटा बचा है थोड़ी शाम को काम आ जाएगा थोड़ा।
चाय भी मेरी बन के तैयार है, ये देखो। रोटियां मैंने बना दी हैं कितनी सारी। होगी और सुबह 7:30 बजे मेरा नाश्ता भी रेडी हो गया। बताती हूँ आपको, मैं ले आई हूँ अंदर ब्लो लगा के गाजर की सब्जी के साथ, अभी गर्म गर्म चाय, तो अभी करूँगी मैं सुबह सुबह नाश्ता। आज ऐसे मैं नहीं करती, कभी कभी करती हूँ जब मुझे भूख लगती है।